Where is your sister? I need you to tell me what's going on. Ben! हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों के बारे में बताऊंगा जो कि आपकी सांसें रोक देगी। ये सभी फिल्में उनके लिए है जो कहता है कि मुझे डर नहीं लगता है, तो इसे आप देखना ना भूले। ये सभी फिल्में हिंदी में अवेलेबल है। इन सभी फिल्मों की लिंक मैंने पहले ही अपने टेलीग्राम चैनल पर दे रखी है, तो वहाँ जाके इन सभी फिल्मों को जल्दी से डाउनलोड कर दें, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसी रोज मजेदार वीडियो देखने के लिए। चलिए आज की टॉप 6 मूवी काउंटडाउन शुरू करते हैं। नंबर 6, 2019 में रिलीज हुई हिंदी रैचेट, जो कि हॉरर मिस्ट्री एक्ट पे बेस्ड है। इस मूवी में एक बुरी चुड़ैल के बारे में दिखाया गया है जो कि किसी को भी वश में करके उन्हें मार देती है, ज्यादातर वह बच्चों को ही अपना शिकार बनाती है। इस मूवी में देखना यह है कि वह चुड़ैल ऐसा क्यों करती है और चुड़ैल की क्या कहानी है। मूवी बहुत ही लो बजट की है और सभी हाई बजट मूवी को टक्कर देती है, इसलिए इसे जरूर देखें। IMDb ने इसे 5.8 की रेटिंग दी हुई है। नंबर 5, 2020 में ली हुई ब्लैक बॉक्स, जो कि हॉरर मिस्ट्री एक्ट पे बेस्ड है। इस मूवी में नोला नाम के व्यक्ति के बारे में बताया गया है जो कि कार एक्सीडेंट के दौरान अपनी मेमोरी और बीवी को खो चुका था, और नोलन की एक छोटी सी बच्ची होती है जो उसे सब कुछ याद दिलाती है, बट नोलन बार बार बोलता रहता। नोलन के साथ अब पैरानॉर्मल एक्टिविटी होने लगती है जिससे वह बहुत डर जाता। उसे लगता है कि कोई भी उसे मारने वाला है। ये मूवी में काफ़ी हॉरर एंड सस्पेंस से भरी हुई है, इसलिए इसे जरूर देखें। और IMDb ने इसे 6.2 की रेटिंग दी हुई है। नंबर 4, 2017 में रिलीज हुई अनाबेल क्रिएशन, जो कि हॉरर मिस्ट्री एक्टिविटी पे बेस्ड है। इस मूवी में एक डॉल के बारे में बताया गया है जिसमें एक बहुत बुरी आत्मा का वास होता है, उसका नाम अनाबेल होता है। वह अब इंसानी शरीर को वश में करके उसके अंदर जाना चाहती है। इस मूवी में देखना यह है क्या वो ऐसा कर पाती है या नहीं, और अनाबेल के पीछे की क्या स्टोरी है। मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी है जो आपको काफ़ी पसंद आएगी, इसलिए इसे जरूर देखें। IMDb ने इसे 6.5 की रेटिंग दी हुई है। तैयार हो जाइए। अगली कहानी के लिए क्रिएशन क्या। नंबर 3, 2016 में रिलीज हुई डोंट ब्रीथ, जो कि क्राइम हॉरर एंड थ्रिल एक्टिविटी पे बेस्ड है। इस मूवी में 3 चोर के बारे में बताया गया है जिनका नाम एलेक्स रॉकी और मनी होता। वह एक दिन एक ब्लाइंड मैन के घर में चोरी करने जाते हैं जहाँ की बहुत सारा पैसा होता। ब्लाइंड मैन बहुत ही खतरनाक होता, उसे चोरों का पता लग जाता, उसे सांस तक की आवाज़ आ जाती, और इसी बीच एलेक्स और मनी को वह ब्लाइंड मैन मार देता। और अब रॉकी क्या उस ब्लाइंड मैन से बचकर भाग पाती है या नहीं, ये इस मूवी में देखना होगा। इस मूवी में भूत बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी ये मूवी काफ़ी ज़्यादा डरावनी है, इसलिए इसे जरूर देखें। IMDb ने इसे 7.1 की रेटिंग दी हुई है। नंबर 2, 2017 में रिलीज मूवी इट, जो कि हॉरर एक्टिविटी पे बेस्ड है। इस मूवी में एक जोकर के बारे में बताया गया है। अक्सर आपने जोकर को सभी को हंसाते हुए देखा होगा, बट इस मूवी में आप जोकर का सबसे भयानक रूप देखोगे, जो कि बच्चों को एक एक करके मार देता। वह ऐसा क्यों करता है ये आप इस मूवी में देखोगे। मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी है जिसे देख के आप खुद डर जाओगे, इसलिए इसे जरूर देखें। IMDb ने इसे 7.3 की बहुत अच्छी रेटिंग दी हुई है। नंबर 1, 2013 में रिलीज हुई दी कॉन्जूरिंग, जो कि हॉरर मिस्ट्री एंड थ्रिल एक्ट पे बेस्ड है। इस मूवी के लगभग 3 पार्ट है, तीनों हिंदी में अवेलेबल है, और सभी मूवी के लिंक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे दे रखे हैं। ये मूवी रियल स्टोरी पे भी बेस्ड है। इस मूवी में एक भूतिया घर के बारे में बताया गया है, वो वहाँ पर रहने वाले सभी लोगों को डराते हैं और उन्हें अपने वश में करते हैं। बाकी आप इस मूवी की स्टोरी खुद से देख लें, क्योंकि ये मूवी बहुत ज़्यादा डरावनी है जिसे देख के आपके होश उड़ जाएंगे। IMDb ने इसे 7.5 की रेटिंग दी हुई है।
Yeah.